हैलो एवरीवन, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की बात करेंगे। हमारी पहली नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, सेकंड है बेंजोइन कंडेंसेशन, थर्ड है क्लेजन सिमेंट रिएक्शन, फोर्थ है क्लेजन कंडेंसेशन, फिफ्थ है कैनिजारो रिएक्शन, सिक्स है टिसेंको रिएक्शन, इसी को हम स्यूडो कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, सेवेंथ है थॉर्पे रिएक्शन और एट्थ नंबर की पर्किन रिएक्शन कहलाती है। ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो हमको बहुत डर लगता है। उसका रीजन भी है, रामायण में एक नगरी थी लंका नगरी, उस नगरी के पात्र के जो नाम थे वो बड़े भयंकर टाइप के थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अतिकाय, वज्रमुष्टि, सिंहका, सुपनखा, ऐसे भयंकर भयंकर नाम थे। और जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड हैं उनके नाम तो इनसे भी भयंकर थे, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर। अब यार कोई भी हो इतने भयानक भयानक नाम सुनेगा तो उसको डर तो लगेगा, लेकिन हमको ये भी पता है कि डर के आगे जीत है। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो सारे कंपाउंड हैं उनका निवास स्थान आजकल कहाँ पे है? वो सारे के सारे जो है वो युगांडा में रहते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो युगांडा जो है वो जाना ही होगा। तो अभी हमने जितनी भी रिएक्शंस का नाम लिया है उनका संबंध कहीं ना कहीं अल्डिहाइड और कीटोन से है। अल्डिहाइड और कीटोन को दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया। ये कैटेगरी वैसे ही है जैसे ब्राह्मणों की दो कैटेगरी होती है, सनाड्य ब्राह्मण है कि कानपुज ब्राह्मण है, ठाकुरों में दो कैटेगरी होती है, चंद्रवंशी है कि सूर्यवंशी है, मुसलमानों में दो कैटेगरी होती हैं, सिया है कि सुन्नी है, ऐसी अल्डिहाइड की दो कैटेगरी होती है, कीटोन की भी दो कैटेगरी होती है, अल्फा हाइड्रोजन है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये अल्फा अल्फा है क्या तो देख लो जरा, ये हमारा अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इस ग्रुप से ये वाला कार्बन जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? टू। ये फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा? अल्फा कार्बन के साथ मिलेगा। आप इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहने लगना, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। ये हमारा फंक्शन ग्रुप है और चूंकि यहां पे एलिफेटिक चेन है नहीं इसलिए अल्फा कार्बन भी नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। ये हमारा कीटोन है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, यहाँ भी तीन हाइड्रोजन है। ये हमारा कीटोन है और ये उसका अल्फा कार्बन है, ये उसका अल्फा कार्बन है, तो इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, इस कारण ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है। ये हमारा साइनाइड ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है। ये हमारा फंक्शन ग्रुप है और ये हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो हमने छोड़ ही दिया। ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, एक भी हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है। ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, तीन हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन से भी तीन हाइड्रोजन कनेक्ट है। ये एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? अल्फा कार्बन के साथ मिलेगा। इसके बाद हमारी सिक्स नंबर की रिएक्शन टिसेंको रिएक्शन आएगी, इसको हम स्यूडो कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। इस टिसेंको रिएक्शन में होता क्या है? जो हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो या एसिटल्डिहाइड हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड हो, इनके शरीर से बदबू आती है, इस कारण लोग इनको शादी समारोह में नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि इनके शरीर से दुर्गंध आती है, तो ये खुद भी उस दुर्गंध से परेशान रहते थे, तो इन्होंने फिर टिसेंको भगवान की
तपस्या की। जब इन्होंने टिसेन को भगवान की घनघोर तपस्या की तो टिसेन को भगवान ने इनको एक स्प्रे दिया एल्यूमिनियम इथॉक्साइड का और कहा कि जब भी तुम्हें खुशबूदार बनना हो तो ये स्प्रे जो है अपने ऊपर छिड़क लेना तो तुम्हारे शरीर से भी अच्छी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं ये जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है इसके ऊपर एल्यूमिनियम इथॉक्साइड का स्प्रे किया गया तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, एक फॉर्मेल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होगा। तो यहां पे दो फॉर्मेल्डिहाइड यूज होने हैं तो एक फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा वो एसिड बनाएगा और जिस फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन होगा वो क्या बनाएगा वो एल्कोहल बनाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन घुस जाता है तो एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बन जाएगा तो ये देखो एसिड बन गया। और रिडक्शन में क्या होता है कि ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट जाता है एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो तो ये सी एस थ्री बन जाएगा और ये ओ एच बन जाएगा तो सी एस थ्री ओ एच बन गया। तो यार ये तो कैनिचारो रिएक्शन जैसी हो गई लेकिन ये कैनिचारो रिएक्शन है नहीं, क्यों? क्योंकि फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा यहां से OH और यहां से H जो है जो बाहर निकलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है और क्या बनता है एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, कार्बन चेन में एक ही कार्बन है ये मिथाइल लिखा जाएगा मिथिनोएट ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। तो चूंकि ये एक एस्टर है तो इसके शरीर से फ्रूटी स्मेल जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। अब हम सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है जब ये घर से बाहर निकलता है तो आस पड़ोस के लोग चिल्लाते हैं बदबू तो इसको बड़ा गंदा लगता है तो फिर क्या करता है ये अपने ऊपर जो है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड का स्प्रे जो है वो छिड़क लेता है तो क्या होगा इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच रिस्पेक्टिव एसिड और रिस्पेक्टिव एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये तो इंटरमीडिएट कंपाउंड है फाइनल कंपाउंड है फिर क्या होगा फिर यहां से OH और यहां से H जो है वो बाहर जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा तो क्या बचेगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू सी एस थ्री तो सी डबल बॉन्ड ओ यहां से हमारी चेन स्टार्ट होती है इस तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन है तो चेन को ब्रेक कर दिया तो इसी तरफ जाना पड़ेगा तो इस चेन में दो कार्बन है तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप बनेगा तो एल्काइल एल्किनोइड इसका आईयूपीएसी नेम होगा तो एल्काइल ग्रुप कौन सा हमारा इथाइल है तो लिखा जाएगा इथाइल चेन कितने कार्बन दो कार्बन है तो इथेन ओएथ तो इथाइल इथिनोएट इसका नाम हो जाएगा। जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है इस बेंजल्डिहाइड से जो है वो कड़वे बादाम की बदबू आती है तो ये क्या करता है ये अपने ऊपर जो है सोडियम बेंजाइल ऑक्साइड का स्प्रे डालता है C6H5CH2ONa ये सोडियम बेंजाइल ऑक्साइड है स्प्रे डालेगा तो क्या होगा इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा मतलब एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होगा दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन पे तो यहां पे बेंजोइक एसिड बनेगा और रिडक्शन पे बेंजाइल अल्कोहल बनेगा फिर क्या होगा फिर
एस्टर का फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच टू, ये। तो जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल बेंजोएट। तो इसके शरीर से कड़वे बादाम की बदबू जो है वो दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक एस्टर होता है जिसकी स्मेल जो होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।